हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान सीसी फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसका मतलब होता है बाल्यावस्था एवं उसका विकास। तो फ्रेंड्स इसमें हम पार्ट फोर पढ़ेंगे क्योंकि पार्ट वन हमने पढ़ लिया है, पार्ट टू पार्ट थ्री भी हमने वीडियो पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट फोर। तो फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीएड हो, बीए बीएड हो या डीएलएड हो या सीटीईटी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि पार्ट फोर में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो चलिए देखते हैं। पार्ट फोर में आपका रहेगा विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। आपको आज पढ़ना होगा कि विकास की क्या अवस्थाएं होती हैं। हमने जान लिया है कि विकास का अर्थ क्या होता है, अब हम जानेंगे कि विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। कुछ अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने विकास की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताया है। कम से कम 5 या 6 मनोवैज्ञानिक के अनुसार हम अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो अवस्थाएँ होती हैं इनका क्रम क्या होता है, इनका सिक्वेंस क्या होता है। विकास का अर्थ मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि विकास का क्या अर्थ है। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर और क्रमशः चलती रहती है। जो मानव का विकास है वो लगातार कंटिन्यू चलता रहता है और वो एक सीक्वेंस से चलता है, क्रम से चलता है, उसे ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। स्किनर ने कुछ डेफिनेशन दी है, तो डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यू एंड ग्रेडुअल प्रोसेस। इन्होंने बताया है कि जो मानव का जो विकास है वो कंटिन्यू और लगातार चलता रहता है। प्रत्येक मनुष्य का जो जन्म होता है, तो प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तो उसे कई अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। जब मनुष्य इन अवस्थाओं से होकर गुजरेगा तो जिसके कारण उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसके मानसिक विकास, भाषाई संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और चारित्रिक विकास में भी निरंतर बदलाव आता रहेगा, जिसके कारण ये निरंतर चलते रहते हैं। तो इन आयु के स्तरों को ही मानव विकास की अवस्था कहा जाता है। विभिन्न विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने मानव विकास की अवस्थाओं को अलग अलग रूपों में वर्गीकृत किया है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने रिसर्च करके पाया कि मानव विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने बताया है। अब हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट है भारत में, इंडिया में मनुष्य जीवन की 7 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले आप सभी को जैसे मालूम होगा कि सबसे पहले होती है प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था, जो रहती है गर्भ से जन्म तक। सेकंड है शैशवावस्था इन्फेंसी, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं शैशवावस्था। नेक्स्ट है बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, ये हमारी रहती है 5 से 12 वर्ष तक। जब बच्चा रहता है 12 साल तक का तो उसे हम कहेंगे चाइल्डहुड, यानी कि वो अभी कौन सी अवस्था में है, बाल्यावस्था में। देन नेक्स्ट है किशोरावस्था एडोलेसेंस, यानी कि जब 12-13 से, या बच्चा जब 12-13 का हो जाएगा, इसे हम 13 से 18 ही बोल सकते हैं, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे कि 12 से 18 वर्ष तक चलने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं किशोरावस्था। देन नेक्स्ट है युवावस्था, ये होती है हमारी 18 से 25 वर्ष तक की। देन नेक्स्ट प्रौढ़ावस्था मैच्योरिटी, 25 से 55 वर्ष तक। देन नेक्स्ट है वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज, जिसे हम कहते हैं 55 से मृत्यु तक। जब तक कि मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती तो वो कौन सी अवस्था में रहता है, वृद्धावस्था में। तो ये जो 7 अवस्थाएं हैं ये किसके अनुसार है, भारत में मनुष्य की यानी कि इंडिया में जो मनुष्य की जो अवस्थाएं हैं इनको डिवाइड किया गया है, तो ये 7 प्रकार से हो गई। अब देखते हैं दूसरे मनोवैज्ञानिक के अनुसार, अब हम देखेंगे सेकंड मनोवैज्ञानिक जो है हरलॉक जी, तो इन्होंने मानव विकास की 7 अवस्थाएं बताई हैं। देखते हैं, पहली है गर्भावस्था प्रेगनेंसी, जो आपकी रहेगी जन्म से पूर्व तक। सेकंड है प्रारंभिक शैशवावस्था एयरली इन्फेंसी, जो है हमारी जन्म से लेकर 14 दिन तक। नेक्स्ट है थर्ड उत्तर किशोरावस्था पोस्ट इन्फेंसी, जो है 14 से 2 साल तक। जब बच्चा 2 साल का रहता है तो उसे क्या कहते हैं हम, पोस्ट इन्फेंसी यानी कि उत्तर शैशवावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ बाल्यावस्था चाइल्डहुड, ये आपकी रहेगी 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। नेक्स्ट है प्रारंभिक किशोरावस्था एयरली एडोलेसेंस, 11 से 13 वर्ष तक के जो बच्चे रहते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रारंभिक किशोरावस्था। नेक्स्ट है सिक्स है आपकी किशोरावस्था एडोलेसेंस,
यानी कि ये रहेगी आपकी 13 से लेकर 17 वर्ष तक की। और नेक्स्ट 7th है उत्तर किशोर अवस्था पोस्ट एडोलेसेंस, ये है हमारी 17 से 21 वर्ष तक। अब इन्होंने क्या बता दिया है, जब हमने भारत के अनुसार पढ़ा था तो उन्होंने बताया था कि कहाँ से 12, 13 से 18 तक की जो अवस्था रहती है उन्होंने तब उनको किशोर अवस्था माना था, लेकिन जो हरलोक जी हैं इन्होंने उत्तर किशोर अवस्था को कब से कब तक बताया है कि 17 से लेकर 21 साल तक के जो बच्चे रहते हैं वो किस में रहते हैं, उत्तर किशोर अवस्था में। तो फ्रेंड्स ये तो सेकेंड मनोवैज्ञानिक के अनुसार है, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताया है, तो ये सेकेंड हो गई। अब हम देखते हैं थर्ड मनोवैज्ञानिक ने कैसे बताया कि अलग अलग और अवस्थाएं होती हैं रॉस जी के अनुसार। तो रॉस जी हैं ये मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने मानव विकास की 4 अवस्थाएं बस बताई हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। बस इन्होंने बोला है कि मानव का जो विकास होता है केवल 4 अवस्थाओं से ही होता है। देखते हैं, सबसे पहला है शैशवावस्था, इन्फेंसी से इन्होंने चालू कर दिया है, जो कि इन्होंने बताया कि ये 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की जो एज रहती है उन्हें इन्होंने क्या बताया कि ये शैशवावस्था है। सेकेंड है प्रारंभिक बाल्य अवस्था यानी कि एयरली चाइल्डहुड, तो ये आपकी रहेगी 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। देन नेक्स्ट है उत्तर बाल्यकाल, जिसे हम कहेंगे आंसर वेयर चाइल्डहुड, जब बच्चा इसमें आंसर देना सीख जाता है, तो ये आपकी रहेगी 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था है उसे इन्होंने उत्तर बाल्यकाल कहा है। नेक्स्ट है आपका किशोरावस्था एडोलेसेंस, जिसको इन्होंने बताया कि 12 से लेकर 18 वर्ष तक की जो एज होती है उसे हम क्या कहेंगे, किशोरावस्था। तो ये किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है, रॉस ने। तो रॉस जी के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बता दी इन्होंने, 4 अवस्थाएं, कि मानव विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो एक्चुअल में 4 अवस्थाओं में ही होती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अवस्था जो हमारी 4th रहेगी, जो मनोवैज्ञानिक है काले सनिक जी के अनुसार। तो काले सनिक जी कहते हैं कि मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई इन्होंने, अब 8 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें फर्स्ट है पूर्व जन्म काल प्री बर्थ पीरियड, जिसे हम कहेंगे गर्भ से जन्म तक। सेकंड है आपका नव सैसा काल यानी कि न्यू इन्फेंसी, तो जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक के जो बच्चे रहते हैं उसे हम कहते हैं नव सैसा काल की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है आरंभिक शैशव काल एयरली इन्फेंसी, ये आपकी रहेगी 1 माह से 15 माह तक के बीच की जो अवस्था रहती है उसे हम आरंभिक शैशवावस्था कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तर शैशवावस्था, तो ये रहेगी आपकी 15 माह से 30 माह तक के बीच की जो अवस्था है उसे हम क्या कहेंगे, उत्तर शैशवावस्था। नेक्स्ट है पूर्व बालकाल यानी कि एयरली चाइल्डहुड, ये है 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था है उसे हम कहते हैं एयरली चाइल्डहुड यानी कि अपूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्य बाल्यावस्था यानी कि मिडिल चाइल्डहुड, तो ये है आपकी 5 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की जो अवस्था है उसे हम बीच की मिडिल की यानी कि मध्य बाल्यावस्था कहते हैं। देन नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था, तो लेट चाइल्डहुड, ये 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था है उसे हम कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था। देन लास्ट है आपकी किशोरावस्था एडोलेसेंस, तो ये है 12 से लेकर 21 वर्ष तक की जो अवस्थाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने विकास की अलग अलग अवस्थाओं को बताया है कि अलग अलग अवस्थाएं कैसी होती हैं। इन्होंने स्टार्टिंग से लेकर बस किशोरावस्था तक ही बताया है, आगे की अवस्थाओं के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि काले सनिक जी के अनुसार कितनी अवस्थाएं हो गई, 8। अब हम एक और मनोवैज्ञानिक जी के अनुसार देखते हैं, सैले के अनुसार देखते हैं। तो सैले जो मानव हैं, जो सैले जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने अब 3 अवस्थाएं बता दी हैं। कौन कौन सी, शैशवावस्था, इन्फेंसी, इन्होंने कहा है कि ये शैशवावस्था है जो 1 से लेकर 5 वर्ष तक रहती है। बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, ये 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की है। किशोरावस्था एडोलेसेंस, ये आपकी रहेगी 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक बस। उसके बाद इन्होंने ना वृद्धावस्था के बारे में बताया ना प्रौढ़ अवस्था के बारे में, सिर्फ इन्होंने 3 अवस्थाएं इंपॉर्टेंट बताई हैं कि मानव का जो विकास है, इन्होंने इस चीज की स्टडी की है। तो मानव विकास का जो अध्ययन करने पर इन्होंने पाया कि मानव का जो विकास है केवल 3 अवस्थाओं से होता है, कौन कौन सी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था।
फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार मानव विकास की चार अवस्थाएं होती हैं। तो इन्होंने बताया है कि शैशवावस्था, इन्फेंसी, जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था चाइल्डहुड 5 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था जो आपकी एडोलेसेंस है ये आपकी रहेगी 12 से 18 वर्ष तक। देन नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था मैच्योरिटी, ये है आपकी 18 वर्ष के बाद, मतलब 18 वर्ष के बाद की जो एज आ जाएगी आपकी, तो उसमें आपको क्या बता दिया गया है इन्होंने कि ये प्रौढ़ावस्था है। तो फ्रेंड्स हमने 6 मनोवैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग अवस्थाएं के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो हम बात करेंगे कि हमको सिर्फ सिलेबस में 3 ही अवस्थाएं इम्पॉर्टेंट हैं, कि जो आप पेपर पढ़ रहे हैं एजुकेशन साइकोलॉजी का, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पेपर पढ़ रहे हैं उसमें मानव विकास की सिर्फ 3 अवस्थाओं का ही अध्ययन किया है, स्टडी की है, तो उनके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। तो पहली अवस्था देखते हैं हम, शैशवावस्था इन्फेंसी जो है जन्म से 6 वर्ष तक की। सेकंड है बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष तक की। और लास्ट है आपकी किशोरावस्था एडोलेसेंस यानी कि 12 से 18 वर्ष तक की। तो फ्रेंड्स एक एक करके हम इन अवस्थाओं के बारे में स्टडी करेंगे कि शैशवावस्था होती क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या प्रकृति है, क्या नेचर्स हैं, तो एक एक करके हम इसको डिवाइड करके और पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो और अवस्थाओं के बारे में कि हमने अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अवस्थाओं की स्टडी कर ली है, अब हम देखेंगे कि शैशवावस्था क्या है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी को।